हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लवलीज लवली लाइफ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने बड़े ग्रो बैग्स को कैसे फिल करें, मैं इसमें कौन कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड करती हूँ अपने ग्रो बैग्स को फिल करने के लिए, और साथ ही साथ हम लगाएंगे नए नए प्लांट्स। फ्रेंड्स, ये सारी सब्जियाँ मैंने फरवरी मिड में बोई थी और लगभग सभी जर्मिनेट हो गई हैं, जिसमें बीन्स हैं, घिया है, पम्पकिन है, तोरी है, करेले हैं और खीरा, ककड़ी, काफ़ी सारे मैंने पौधे तैयार कर ली है। तो अब आज इनको हम लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लगाना इनको। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ ये पम्पकिन, तो चलिए इसको लगाते हैं। अब क्योंकि जिस तरह से मैंने इस तरह से उल्टा करके इसको धीरे धीरे आराम से निकाल लें। अब लगाते हैं हम ये घिया। ये गोल गया, अब हम इसको भी लगाते हैं। अब हम लगाते हैं करेले की पौध। तो ये मेरा 12x24 का कंटेनर है और इसमें मैं 3 करेले की पौध लगाने वाली हूँ। तो अब लगाते हैं ये खीरा। तो अब लगाते हैं ये खरबूजे के पौध। तो ये लग गए खरबूजे के पौध, ये ककड़ी की, ये करेले और खीरा, घिया, गोल घिया, ये घिया लंबे वाले घिया ये। हाँ, चलिए फ्रेंड्स, अब लगा लेते हैं बरबटी को, यानी कि लॉन्ग बीन्स को। इसके लिए मैंने ये एक पॉट तैयार किया है। इस पॉट में मैं 4 बीन्स लगाने वाली हूँ। बीन्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 2 इयर्स से बीन्स को ग्रो करने का। तो मैं इस तरह के कंटेनर में ही ग्रो करती हूँ और काफ़ी अच्छी बीन्स हो जाती हैं। मैं दिखाऊंगी आपको इनकी ग्रोथ भी। तो फ्रेंड्स, दिखाती हूँ आपको। जैसे कि मेरा ये कंटेनर है, ये मेरा कंटेनर 20x20 का है, 20x20 इंचेस का। और इस कंटेनर को आप देख सकते हैं, मैंने पूरी तरह से इस जो गार्डन वेस्ट है उससे भर दिया है। जो पत्ते वगैरह निकलते हैं उनसे भर देती हूँ मैं। तो अभी ये, क्योंकि अभी थोड़ा सा गीला है ये, तो अभी पूरी तरह से सूख जाएगा, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, तो लगभग 70-80% मेरा इस गार्बेज से ये फिल हो जाएगा। और उसके बाद मैं इस पर एक मिट्टी की लेयर लगाकर इसमें अपना पौधा लगा दूंगी। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि आपको बहुत कम मिट्टी डालकर आप अपना एक पौधा लगा सकते हैं। एंड ट्रस्ट में, पौधा बहुत हेल्दी होता है आपका, क्योंकि उसको खाद नीचे से मिलती रहती है। तो आपको काफ़ी एक्स्ट्रा
ज़्यादा ऐड करने का नहीं पड़ता। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, दो बार हफ्ते में या हफ्ते में कम से कम एक बार आप लिक्विड खाद देते जाएं, तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी तरह की और खाद ऐड करने की। और इससे क्या होता है, मिट्टी काफ़ी हल्की बनती है क्योंकि इसमें ज़्यादा वजन नहीं होता, जिससे छत पे भी ज़्यादा वजन नहीं पड़ता क्योंकि मिट्टी आप काफ़ी कम मिट्टी इसमें यूज़ कर रहे हो। और नेक्स्ट यानी कि मैं कहूँ कि 6 मंथ्स के बाद आप अगर मिट्टी को देखेंगे तो मिट्टी इतनी अच्छी बन जाएगी क्योंकि वो सारे ये जो पत्ते वगैरह मैंने डाले हैं ये खाद के रूप में बन जाएंगे और आपके बिल्कुल आपको सोने के समान आपको मिट्टी मिल जाएगी जिसको आप आगे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर अपने हर बड़े गमले में या ग्रो बैग को मैं इस तरह से फिल करती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा मिट्टी न डालनी पड़े। तो हम इस तरह से अपने ग्रो बैग्स को फिल कर सकते हैं। इस तरह से आप मेरा एक और ग्रो बैग देख सकते हैं, ये मेरा 15x18 का ग्रो बैग है, काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है ये भी। और इसको भी मैंने इसी तरह से कुछ किचन कंपोस्ट और कुछ इन पत्तियों से फिल कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारा गार्बेज इसमें ऑलरेडी, मतलब मैंने बहुत थोड़ी जगह छोड़ी है। अब इसको मैं थोड़े दिन 2-4 दिन इसको ऐसे सूखने दूंगी, फिर इसमें मिट्टी की लेयर लगा दूंगी या हस्क डाल दूंगी साथ में, तो इस तरह से कंपोस्ट अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, पौधा इसमें लगा दूंगी तो काफ़ी हेल्दी पौधा बन जाता है। इस तरह से मैं अपने सभी ग्रो बैग्स को फिल करके रख लेती हूँ और ये इस तरह से मेरे समर के लिए सभी ग्रो बैग्स रेडी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हार्वेस्ट कर लेते हैं बीट रूट और ये मेरे 3x6 फुट के ग्रो बैग में लगे हुए हैं। तो काफ़ी सारे बीट रूट्स आज हम निकालने वाले हैं, ऑलमोस्ट मैं सारा ये कंटेनर खाली करने वाली हूँ क्योंकि इसमें मैंने भिंडियाँ लगानी हैं। तो फ्रेंड्स इस वाले ग्रो बैग में मेरे बीट रूट लगे थे तो मैंने सभी बीट रूट्स को अब निकाल लिया है और मैं क्या करने वाली हूँ, इन्हीं लीव्स को इस मिट्टी में नीचे गाड़ दूँगी मैं। आप जब भी कभी भी ऐसा करें कि कोई भी फसल ले रहे हैं उसके लीव्स वगैरह या जो भी उसका मटेरियल निकलता है आप उसी मिट्टी में नीचे दबा दें। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपकी मिट्टी में जो न्यूट्रिशंस, जो आपका जो फ्रूट वेजिटेबल आपने लगा रखा है उसने लिया था, वो मिट्टी को वापस से दे देगा। तो इट्स अ गुड वे कि आपने जो भी क्रॉप लिया है उसका जो रेजिड्यूल है वो आप वापस से ही उसके अंदर दबा देते हैं तो आपकी जो मिट्टी है वो न्यूट्रिशियस वापस से हो जाती है। तो मैं इसको 1 हफ्ता 10 दिन ऐसे ही रख दूंगी दबाकर इसमें और उसके बाद मेरी भिंडी की पॉट तैयार हो रही है और मैं वो इसमें लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड ऐसे ही मैंने इसमें ये टमाटर के पेड़ लगे हुए थे मेरे, तो मेरी सारे टमाटर के पौधे इसमें से निकाल कर इसमें डाल दिए हैं। अब मैं यही वाली मिट्टी इसमें डालूंगी क्योंकि मैंने आपको बताया ना जिस मिट्टी में आप कोई चीज़ उगा रहे हैं उसी के जो रेजिड्यूल्स हैं वो आप उसी मिट्टी में डाल दीजिए। तो मैं ऐसे ही ये भी करने वाली हूँ। चलिए एक सैलरी का मेरे पास बॉड है 2-3, ये भी लगा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हार्वेस्ट कर लेते हैं ये ग्रीन हरे बैंगन, बहुत सारे लगे हुए हैं, इनको भी काट लेते हैं। तो फ्रेंड ये काफ़ी सारे बैंगन एक ही पौधे से निकल आए हैं। तो अब ये पर्पल बैंगन भी हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं, लंबे वाले बैंगन। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की आपको बड़े ग्रो बैग कैसे फिल करते हैं ये बताने की, अपनी पौध को कैसे लगाना है वो बताने की। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।